गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो स्पेशल है और ये पार्ट टू है इस प्रोडक्ट का। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे चेकआउट कर लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप आराम से देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ की बातें समझ आएगी। क्योंकि फर्स्ट से आप क्लियर नहीं करोगे तो सेकेंड में क्या ही समझ पाओगे। तो फर्स्ट वाली वीडियो देखना, देन इसे देखना, नहीं तो मत ही देखो। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है पहले से। अब इसमें यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, थंबल और टाइटल से आप जान गए होंगे, डर्मा टच बाय बाय स्ट्रेच मार्क क्रीम के बारे में, जो प्रेगनेंसी में रिड्यूस करती है स्ट्रेच मार्क को और स्कार्स को ख़त्म करने में मदद करती है। सिया बटर है इसमें, कोकोआ बटर है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। तो डर्मा टच बाय बाय पिगमेंटेशन स्ट्रेच मार्क क्रीम इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू वर्क विद स्किन रीजेनरेशन एक्टिविटी टू विजुअली रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। दिस क्रीम हेल्प्स टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स कॉज टू थाइज, हिप्स, रिस्ट, ऑन स्टोमस ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स एंड नो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डर्मा टच बाय बाय स्ट्रेच मार्क क्रीम इज फास्ट अब्जॉर्बिंग, रिटेन्स एसेंशियल मॉइस्चराइज एंड गिव्स रिलीफ टू ड्राई स्ट्रेच स्किन। तो ये क्या करता है, ये रीजनरेट करता है स्किन को, देन ये हेल्प करता है स्ट्रेच मार्क को हटाने में, स्कार्स को हटाने में, जो हमारे थाइस में, हिप्स में एंड ब्रेस्ट में एंड स्टोमच के पास हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं उसके कारण। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, उस कारण क्या होता है जो आपकी स्किन है वो फैलती है और फिर जाके सिकुड़ जाने पे वो मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स जैसी प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक फास्ट अब्जॉर्बिंग है, अब्जॉर्ब हो जाता है, देन स्किन को मॉइस्चराइज करता है, देन स्किन से ये हटाता है स्ट्रेच मार्क को, स्कार्स को, उनको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा ये सहायक है, रिड्यूस करता है उसको, ख़त्म करता है वहाँ से। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ये क्लिनिकली प्रूवन है, तो या आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। इम्प्रूव करता है स्किन इलास्टिसिटी को, सिया बटर हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज टू स्मूथ स्किन फॉर्म इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन। दिस क्रीम हेल्प्स टू हाइड्रेट एंड नरिश टू द स्किन टू इम्प्रूव इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिया बटर स्किन को स्मूथ बनाता है, अगर आपको इचिंग जैसी प्रॉब्लम होती है उसको भी ख़त्म करता है, देन ये क्रीम क्या करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और इम्प्रूव करता है इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। तो ये क्या है, डीप मॉइस्चराइज करता है एंड प्रिवेंट इचिनेस। दिस क्रीम हेल्प्स टू गिव इंटेंस नरिशमेंट, हाइड्रेशन टू द स्किन। नरिशमेंट एंड इनरिच्ड सिया बटर एंड कोकोआ बटर हेल्प टू प्रीवेंट ड्राइनेस एंड इचिनेस। तो देखिए ये क्या करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश प्रोवाइड करता है, देन हाइड्रेट करता है स्किन को, एंड इसमें भरपूर मात्रा में सिया बटर एंड कोकोआ बटर का यूज़ किया गया है, जो कि स्किन को नरिश प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं, ड्राइनेस को कम करता है, इचिनेस को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो क्रीम है ये टॉक्सिन फ्री है, फ्री ऑफ केमिकल, और जैसे केमिकल चीज़ों से, फ्री फ्रॉम केमिकल्स जैसे मिनरल ऑयल से, पैराबेन से, सल्फेट से, एंड जो होते हैं ना फ्रेगनेंस टाइप की चीज़ें जो कि डाइल्स इसमें नहीं है, एलिग्रेंस फ्रेगनेंस नहीं है आर्टिफिशियल टाइप की, एंड ये सारी चीज़ें जो होते हैं फैसफ्लेट्स भी नहीं है इसमें, काफ़ी सारी ये सारी चीज़ों को नहीं यूज़ किया गया, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं, मतलब कि अच्छे नहीं होते, उन सब का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। हेल्प टू स्किन रीजनरेशन, स्किन का जो रीजनरेशन करता है ये काफ़ी अच्छा है, डेफिफ्लेकेशन करता है, हेल्प टू इन्हांस द प्रोटेक्शन एंड रिपेयर मैग्नेटिज्म ऑफ द स्किन। स्किन को रिपेयर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हेल्प टू रिसेक्ट स्कार टिश्यू फॉर्म रिप्रोड्यूसिंग, जो स्कार के टिश्यू है उनको रिप्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है, हेल्प टू रिड्यूस रेडनेस ऑफ न्यू स्ट्रेच मार्क्स, जो न्यू स्ट्रेच मार्क के रेडनेस है उनको भी ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा ये सहायक है। एंड ये जो क्रीम है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड हाँ गाइस, स्किन रिप्लेसमेंट में भी ये वर्क करता है, मींस ये जो क्रीम है डर्मा टच का, जो हमारा प्यारा सा बाय बाय पिगमेंटेशन स्कार क्रीम है, कोकोआ बटर
स्किन रिप्लेसमेंट कोकोआ बटर हेल्प टू रिप्लेनिश स्किन मॉइस्चर, क्रिएट स्किन बैरियर टू स्किन, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम मॉइस्चर लॉस। ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, स्किन के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करता है और मॉइस्चराइजर को लूज़ होने से बचाने में मदद करता है। तो ये बात भी इसमें काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ ये क्लिनिकली प्रूवन है, तो डर्मा टच बाय पिगमेंट स्ट्रेच मार्क्स क्रीम इज फॉर्मुलेटेड यूजिंग क्लिनिकली प्रूवन एक्टिविटीज लाइक OM मैक्सिनिल को LD4 इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इसमें यूज़ किया गया है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके इन्ग्रीडियंट्स में OA मैसिलिन को LD का प्रयोग किया गया। इट हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचेड एंड इची स्किन वाइल इन्हेंसिंग स्किन मॉइस्चर। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किन के मॉइस्चर को इन्हांस करने में एंड जो इस टाइप की मतलब कि इचिंग टाइप की आपकी स्किन में होते हैं उनको भी कम करता है एंड हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसमें। तो ऑफकोर्स आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम हो, स्कार्स की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से अगर आप उस बॉडी को वहाँ से हल्का वॉश कर लीजिए एंड या उसको सूखने के बाद आपको इसकी थोड़ी सी अमाउंट मतलब उतना जितना आपको सहायक हो वहाँ पे लगाइए एंड या रात में ज़रूर लगाना, क्योंकि 12 से 8 घंटे आप सोते हो तो आपकी स्किन पे अच्छे से रहेगी, ऑब्जर्व होके काम करेगी। डेली इसे यूज़ करना 2 टाइम्स बेस्ट रिजल्ट के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।